दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी सी नॉलेज देने आई हूँ जो मैं जीरो बजट से अधिकतर गार्डनिंग करने की कोशिश करती हूँ और अपने यूट्यूब परिवार को मैं अक्सर समय समय से चीज़ों को बताती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, तो आइए जुड़िए, कड़ी से कड़ी मिलाकर के चलिए और यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। तो सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में, मेरे यूट्यूब परिवार को। और फ्रेंड्स, क्या है कि कुछ मैं स्टार्टिंग ही बता दे रही हूँ कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि नई नई आईडी बनाते हैं और कमेंट्स करते हैं कि एक वीडियो में आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स करती हैं, तो फ्रेंड्स बार बार ना कहिए। ये बताएं फ्रेंड्स कि मैं फ्रेंड्स ना कहूँ तो क्या कहूँ भाई, मेरा यूट्यूब परिवार में बार बार तो संबोधित करना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। तो इन चीज़ों को ज़्यादा अदरवाइज ना लिया करें। अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट भी कर रही तो भी बुरा है क्या? तो फ्रेंड्स, मैं अब बताने जा रही हूँ कि चलिए यूज में चीज़ लेकर के आती हूँ तो दुनिया है क्या बोलती क्या नहीं बोलती है, ये तो अपना अपना मत है। तो फ्रेंड्स, मैंने जोड़ा है जो मैंने कुछ समय पहले मैंने बहुत अच्छी सी क्यारी बना करके तैयार किया था बिल्कुल जीरो बजट से, तो उसी क्यारी को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और कितनी ग्रोथ हुई और मैं क्या क्या चीज़ों को मिलाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैंने मॉस स्टिक कितने अच्छे से तैयार किया। मॉस स्टिक तैयार करने के बाद में मैं कैसे इसको कितनी मैं मेहनत करती हूँ तब आप लोगों के पास मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। जैसे कि ये देखिए, कुछ व्यूअर फ्रेंड ने नहीं देखा होगा तो उनको बताना भी पड़ता है कि जैसे कि मैंने ये गर्म तार से मैंने गैस पर जा करके मैंने इसमें होल किया, लोहे की तार उसमें लगा करके, जैसे पेचकस है इस तरह से मैंने लगा करके इसको गर्म किया और नीचे भी मैंने होल तैयार किए क्योंकि इनका ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बना रहे। और ये फ्रेंड्स देखिए, मैं तार को लगा करके मैं इससे प्लास से इसको कस रही हूँ इसलिए कि हम काफ़ी दिनों तक ऐसे बना रहे। अगर आप फ्रेंड्स लगाना चाहते हैं तो आप धागे से भी बांध सकते हैं, जो इसका प्लास्टिक का धागा बहुत मजबूत होता है, वो भी सुई की मदद से आप छोटी सी सुई हो या बड़ी सी जैसे भी आप बांधना चाहें उसको बांध सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए कि धागा को ऊपर से बांध रही हूँ तो ये देखिए मैं बिल्कुल जैसे चौखट बनाई जाती है ना दरवाजों की, बिल्कुल मैं उसी तरीके से बना करके तैयार कर रही हूँ। और लोग क्या करते हैं कि नर्सरी से इतने महंगे महंगे मॉस स्टिक खरीद के लाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स चलिए कोई बात नहीं, वो तो अपना अपना मत है भाई, किसी के पास इतना पैसा तो कुछ भी कर सकता है, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तो अपनी बात बताती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बजट में अपनी गार्डन को तैयार करती हूँ और अपना शौक भी पूरा करती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने बना करके इसको रेडी कर लिया, अब इसमें देखिए मैं क्या मिलाऊंगी। नीचे कपड़ा रख दे रही हूँ, अब इसमें कोकोपीट है, कंपोस्ट पहले से मिली हुई काफ़ी इसमें मिली हुई रखी है, जो मैंने हल्दी भी मिलाया इसमें, और ये बर्मी कंपोस्ट है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों को मिलाया कुछ बहुत, मैं ऐसा करती हूँ कि देखिए कटिंग को मैं कैसे कैसे मनी प्लांट की तैयार करती हूँ और इनके रूट्स देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने ज़बरदस्त तरीके से रूट्स तैयार हुए हैं। जैसे कि मैं चाय की पत्ती ज़्यादा मिलाने की कोशिश करती हूँ, चाय की पत्ती क्या होता है ना कि मनी प्लांट्स को पालती है, और क्या होता है कि मनी प्लांट्स का जैसा कि लोग कहते हैं कि ऊपर की ओर ले जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो इसको घुमाते हुए मैं ऊपर की ओर इसको ले गई और देखिए जगह जगह मैं जैसे ऊपर की ओर ले गए ना तो ऊपर बांध दिया मैंने इस तरह से क्योंकि नीचे गिरेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से बीच बीच में इसको बांध दें और फिर जब इसमें देखिएगा अभी बाद में कि कितना अच्छे से ग्रोथ हुई है। कोई ज़्यादा अभी दिन नहीं वीडियो का हुआ बना, लेकिन हाँ इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। और देखिए कि मैंने चाय की पत्ती को भी बहुत मैं बचा बचा के करती रहती हूँ, रखती रहती हूँ संभाल संभाल के, लेकिन उसका वीडियो मैं जल्दी से लेकर के आऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय बाद मेरा देखिए कि जो मैंने मॉस स्टिक बना करके ये तैयार किया था पीवीसी पाइप से, जो वायरिंग के पाइप होते हैं मैंने उसी से तैयार किया। अब आप फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, किस तरह से रहा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे अपने अपने घरों में जीरो बजट से गार्डनिंग करें, नेचर से जुड़ करके रहें।
फ्रेंड्स प्रकृति के साथ जुड़ करके रहेंगे तो बात ही कुछ अलग होती है। और अगर हाँ पहली बार मेरे चैनल में आए हों और मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए फ्रेंड्स। और जब आप लोगों प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग ही होते हैं 1-8% जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, या हो सकता है अपने हिसाब से कुछ किया होगा, अपने हिसाब से कुछ अच्छा ही समझ के किया होगा, लेकिन मैं उसको भी अदरवाइज नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है फ्रेंड्स कहने की, तो मैं बोलती हूँ, तो इसको माइंड ना करें फ्रेंड्स। तो आप सब जो है अपने अपने घरों में ऐसे नेचर से जुड़ करके रहें और ऐसे गार्डनिंग अच्छी अच्छी गार्डनिंग करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।